नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात नकली दवाइयों की। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ का जानलेवा कारोबार पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है। आज देश के कई राज्यों में नकली दवाइयों को लेकर छापेमारी हुई। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हम ये देख सकते हैं। इन राज्यों में एक बार फिर से नाम पढ़ देते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में छापेमारी में करोड़ों की नकली दवाइयां जब्त की गई हैं। ये छापे गाजियाबाद, कोटद्वार और हैदराबाद में मारे गए हैं। जो दवाइयां जब्त हुई हैं उनमें डायबिटीज और बीपी की दवाइयां शामिल हैं। गाजियाबाद के छापे में 1,10,00,000 की दवाएं जब्त की गई हैं। साहिबाबाद की रेड में एक को गिरफ्तार किया गया है। हैदराबाद के मेडिकल स्टोर्स में ऐसी कंपनी की दवाएं पाई गई हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। इन दवाइयों में चौक पाउडर और स्टार्च पाया गया। इन्हें ड्रग्स कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन ने जब्त किया है। इस मामले में भी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। जब दवाइयों की जगह चौक पाउडर और स्टार्च का इस्तेमाल हो तो आप सोच सकते हैं कि इलाज के लिए सही दवा ना मिलने से इन नकली दवाइयों का शरीर पर क्या असर होता होगा। बुजुर्ग, बच्चे, बीमारी से जूझ रहे लोग अनजाने में अपनी जान दांव पर लगा रहे होते हैं। डॉक्टर्स और परिवार वाले भी लाचार महसूस करते होंगे। तो हमारे तमाम रिपोर्टर्स ने इस पे जानकारी हासिल की है। सबसे पहले ईशिका वर्मा सुनते हैं, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। गाजियाबाद में नकली दवाइयों पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई यहाँ के ड्रग डिपार्टमेंट, लोकल पुलिस और साथ ही साथ दिल्ली क्राइम ब्रांच की जॉइंट ऑपरेशन के तहत ये कार्रवाई की गई है। अभी हम उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर 4 मार्च को ये रेड पड़ी थी। ये वही जगह है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी ताला पड़ चुका है, लेकिन जब यहाँ पर अधिकारी पहुँचे थे 4 मार्च को, तो नकली दवाइयाँ जो आम ज़रूरत वाली नकली दवाइयाँ होती हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो गैस्ट्राइटिस की बीमारी के लिए हो या वो पेन किलर्स हो, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर की जा रही थी। और ये जो जितनी ये नकली दवाइयाँ, साथ ही साथ जो पैकेजिंग मटेरियल जब्त की गई है, इसकी कीमत करीबन 1,10,00,000 बताई जा रही है। इस पूरे मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है। डिपार्टमेंट का ये कहना है कि ये जो नकली दवाइयां हैं ये एक बहुत बड़े नेक्सस के तहत बहुत जगहों पर सप्लाई की जा रही थी। ये हैदराबाद में, तेलंगाना में, अमृतसर में, कोलकाता में और साथ ही साथ राजस्थान में ये नकली दवाइयां सप्लाई की जा रही थी। डिपार्टमेंट का ये भी कहना है कि जो कार्रवाई है वो अभी भी बाकी है, लेकिन जिस मार्जिन में ये नकली दवाइयाँ बनाई जा रही थी, ये आम लोगों की ज़िंदगी के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। क्योंकि अगर कोई भी ये नकली दवाइयाँ गलती से भी ले लेता है तो उसकी ज़िंदगी को एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। गाज़ियाबाद से NDTV इंडिया के लिए इशिका। और हैदराबाद में हुई छापेमारी पर जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी उमा सुधीर। हैदराबाद की पुलिस और ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के टीम्स गए थे उत्तराखंड में, कोटद्वार नाम की जगह पर। उन्होंने छापे मारे और वहाँ पे पाया कि कुछ ऐसे पदार्थ या सामग्री बन रहे थे जिनको ड्रग्स के नाम पर बाद में बेचा जा रहा था, और उन पर जो लेबल लगाए जा रहे थे वो जाने माने जो ब्रांड्स हैं उनके नाम लगाए जा रहे थे, जैसे सिप्ला है या ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, उनके नाम लगाए जा रहे थे। और उनको एंटीबायोटिक के नाम पर या फिर किसी और ड्रग्स के नाम पर उनको बेचा जा रहा था, और उनकी सप्लाई वापस हैदराबाद आ रही थी। मलकपेट नाम के एक जगह में एक रामलू का नाम दिया गया है जिन्होंने इन ऑर्डर्स को प्लेस किया था। यानी कि एक इंटरस्टेट ड्रग रैकेट है जिसको अब अनकवर कर दिया गया है। और बताया ये जा रहा है कि इनको जिनको नकली दवाई को जो बेचा जा रहा था उसका वैल्यू 1,00,00,000 से ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद कुछ और यूनिट्स पर भी यहाँ पे छापे पड़े। मेग लाइफ साइंसेस नाम की एक कंपनी बताई जा रही है, और अब ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि ये फिक्टिशियस कंपनी है, यानी कि ये मौजूद ही नहीं है, लेकिन उनके नाम पर मैन्युफैक्चर कुछ एंटीबायोटिक्स, जैसे ऑगमेंटिन जो एंटीबायोटिक हम जानते हैं, लेकिन उसको किसी और नाम पर वो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे थे। जनरिकली आपको लगेगा कि आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, लेकिन ये असल में नकली दवाई है, यानी कि आपको ना कोई फ़ायदा होगा, तबीयत आपकी और बिगड़ जा सकती है इसको खाने के बाद। यानी कि
देखिए ये स्पूरियस ड्रग है, नकली ड्रग है और इसी के लिए नोटिस दिया है ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने, ये कहते हुए कि इसके स्टॉप यूज़ नोटिस, यानी कि इसको आप अब यूज़ मत कीजिए। मेग लाइफ साइंसेस नाम की अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर आपके आपके कॉन्टेक्स्ट में आए और आपके नज़र में आए तो आप इस बात को रिपोर्ट कीजिए अथॉरिटीज़ को। उमा सुधीर ये जानकारी दे रही हैं किस तरह से इतने छापे पड़े हैं। तो तेलंगाना में कुछ नकली दवाइयों की जो खेप पकड़ी गई थी, जिसके तार कोटद्वार के सिगडी सिडकुल की एक फैक्ट्री से जुड़े बताए गए, यहाँ पर लाखों की नकली दवाएं पकड़ी गई हैं और दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस पर जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी किशोर रावत। नकली दवाई बनाने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनका कारोबार पूरे देश में और कई राज्यों में चल रहा है। एक राज्य में नहीं सीमित, कई राज्यों में वो नकली दवाइयों का अवैध कारोबार लंबे समय से चला रहे हैं। दरअसल तेलंगाना पुलिस ने एक नकली दवाई बनाने वाले का रैकेट पकड़ा था और जांच में पाया कि इन नकली दवाई बनाने वालों का सिंडिकेट जो है वो एक राज्य में नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में है, यानी दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत के कई राज्यों में ये कारोबार चल रहा है। इसके अलावा जो जांच में पाया है कि उत्तराखंड के कोटद्वार और रुड़की में नकली दवाइयां लगातार बनाई जा रही है और बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम से ये नकली दवाइयां बाज़ार में बेची जा रही है, जिसका सीधा बुरा असर आम लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। तो वहीं सवाल तो ये भी उठता है कि आखिर उत्तराखंड का ड्रग कंट्रोल विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस क्या कर रही है और उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा करोड़ों का कारोबार, अवैध कारोबार जो नकली दवाई बनाने का चल रहा है वो लगातार चल रहा है। इसके अलावा कोटद्वार और रुड़की में जब पुलिस ने छापा मारा तो वहाँ पर करोड़ों की नकली दवाइयाँ, लग्जरी गाड़ियाँ, इसके अलावा कई लोग पकड़े गए। दूसरा सवाल तो ये भी है कि आखिर जब इतनी बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियाँ वहाँ पर काम कर रही है, क्योंकि उत्तराखंड में देहरादून, कोटद्वार, रुड़की, हरिद्वार और रुद्रपुर में बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियाँ दवाइयाँ बना रही है, लेकिन उसी के बीच में ये लोग अपना अवैध कारोबार चला रहे हैं। अब सवाल तो ये भी उठता है कि आखिर इतना बड़ा कारोबार चलाने के बाद जब ये दवाइयाँ बेच रहे हैं तो किसकी शह पर ये दवाइयाँ बेची जा रही है और आखिर पुलिस, ड्रग कंट्रोल विभाग और उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग आखिर क्या कर रहा है। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। और देश की बात में बात अब हरियाणा की करते हैं। यहाँ से चीटिंग यानी नकल की हैरत पर डालने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हरियाणा बोर्ड परीक्षा में जमकर नकल हुई है। नू और तावड़ू की ये तस्वीरें हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में नकल हो रहा था और पुलिस सुस्त एक तरह से बताई गई यहाँ पर। तमाम सरकारी दावे जो होते हैं वो फेल थे। फ़ोटो खींचकर पेपर आउट करने की भी शिकायतें मिली, साथ ही पर्चियां पहुंचाते कुछ लोग नज़र आए। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली हमें इस पर और जानकारी दे रहे हैं। उन मोहम्मद गजाली पे जाने से पहले परमजीत चहल जो है ज़िला शिक्षा अधिकारी नूह के, आइए उनको सुन लेते हैं। आज मैंने भी एक वीडियो देखी थी, उस अखबार की कटिंग पड़ी थी, उसमें फ़ोटो भी लगे हुए थे कि बच्चे दीवारों पर चढ़े हुए हैं, छत पर चढ़े हुए हैं। जिस स्कूल की वो फोटो थी, आज बीओ सर को मैंने कहा था कि विस्तृत रिपोर्ट लेके आए। आज उस सेंटर पे कोई परीक्षा केंद्र नहीं था, तो नेक्स्ट पेपर में हम विजिट भी करेंगे, जांच करेंगे, उसमें स्कूल की मिली भगत है या भारी हस्तक्षेप था या किसी टीचर की कोई मिली भगत है, जांच के उपरांत जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पिछले साल दंगों की वजह से सुर्खियों में आया हरियाणा का नूह जिला, इस बार फिर बोर्ड की परीक्षाओं की वजह से वहां पर हो रही स्कूलों में जो चीटिंग है उसकी वजह से सुर्खियों में दोबारा आया है और इस तरह के वायरल वीडियोज जो हैं कई आए हैं। सिर्फ एक स्कूल का मसला नहीं है, हरियाणा में 10वीं के बोर्ड की परीक्षा हो रही है और ये जो विजुअल आए हैं ये फिजिकल एजुकेशन का पेपर था और हरियाणा के एक स्कूल में जो अभिभावक हैं या जो बच्चों के या विद्यार्थियों के दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो चीट पास करने के लिए स्कूल की पिछली दीवार से अपनी फिजिकल टेस्ट दे रहे थे, क्योंकि ऊपर चढ़ना, चीट पहुंचाना और ये सारे विजुअल सिर्फ एक स्कूल के वायरल नहीं है, कई और स्कूल हैं जहां से ऐसी खबरें आ रही हैं और अलग अलग इम्तहान कह लें या जो पेपर हैं उनकी परीक्षा में अक्सर ऐसा देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों में। जब वहाँ के ज़िला शिक्षा अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं उनसे बात की गई तो उन्होंने एक जवाब दे दिया कि हमने रिपोर्ट भी मांगा है और इस स्कूल में हम विजिट भी करेंगे अगले परीक्षा के दौरान या वहाँ के प्रिंसिपल से भी बात की जाएगी, लेकिन फिलहाल
इस वीडियो के वायरल होने से पहले और वीडियो के वायरल होने के बाद और भी स्कूलों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये बहुत गहरा सवाल उठाता है देश के शिक्षा प्रणाली पर, और ये भी इस पर भी सवाल उठता है कि किस तरह से ऐसी खबरें या ऐसी तस्वीरें बिहार से आया करती थीं, लेकिन अब ये देखने और समझने को मिल रहा है कि ये सिर्फ बिहार राज्य का मसला नहीं है, कई और राज्य हैं जहां पर परीक्षा में इस तरह की धांधली होती है जिससे आगे विद्यार्थियों का भविष्य ही अंधकार में चला जाता है। ऐसे में सरकार देखना होगा कि इसमें सरकार क्या कार्रवाई करती है या सिर्फ बयान देकर ही अपना पल्ला झाड़ लेती है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। और बात उत्तर प्रदेश की पेपर लीक मामले में, उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से प्रश्न पत्र और आंसर शीट भी बरामद हो गई हैं। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम साहिल, दीपक, बिट्टू, रोहित, प्रवीण और नवीन हैं। आरोपी मेरठ के रहने वाले हैं। आरोपियों ने बताया कि 18 फरवरी को दूसरी पाली की परीक्षा का पेपर इनको व्हाट्सएप पर 17 फरवरी को ही मिल गया था। साथ ही 8 मोबाइल फोन और 1 कार भी जब्त की गई है। गिरफ्तार किए गए लोगों में से 2 दीपक और साहिल खुद भी परीक्षार्थी थे। भर्ती के बारे में सरकार की नीति स्पष्ट है कि पूरी सुचिता और पारदर्शी तरीके से भर्ती कराई जाती है और 1,70,000 नए हमारे जवान भर्ती किए गए हैं इस फोर्स में, जिससे कि हमारा एज प्रोफाइल भी काफ़ी कम हुआ है और आने वाले टाइम में भी हम पूरी तरीके से सुचितापूर्ण भर्ती कराएंगे। भर्ती में जो कुछ लीकेज की बात आई थी, इस प्रशासन ने तत्काल उस पूरे भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया और 6 महीने के अंदर हम फ्रेश उन्हीं भर्तियों को पुनः आगे बढ़ाएंगे। जी, उसमें शासन के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो इसमें दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो राजस्थान की बात, कल ही हमने देश की बात में पेपर लीक पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की राजस्थान की खबर दिखाई थी। तो आज पेपर लीक मामले में आरोपियों की अदालत में पेशी हुई और इसके दौरान आपको बता दें कोर्ट परिसर में हंगामा हो गया। कोर्ट परिसर में मौजूद कई वकीलों ने आरोपियों को पीटने की कोशिश की। वकील वहां मौजूद पुलिस वालों से उलझ गए। अदालत ने आरोपियों को 6 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। अब 12 तारीख को फिर से पेशी होनी है। इससे पहले आपको बता दें 14 ट्रेनी दरोगाओं को, जिनको कल गिरफ्तार कर लिया गया था, उनका मेडिकल कराया गया और कोर्ट में इनकी पेशी भी हुई थी। जी की तरफ से एक FIR नंबर 10/2024 जो थी, उसमें 14 मुलजिमानों को गिरफ्तार करके SOG ने पेश किया। 420 और 120 BIPC का और IT एक्ट का और परीक्षा अधिनियम की धारा 3/6 का मामला था, उसमें पेश किया था। SOG की तरफ से 12 दिन का पुलिस कस्टडी मांगी गई थी, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने 6 दिन का पुलिस अभिरक्षा में मुलजिमानों को भेजा है। 12 तारीख को पेश करेंगे, 12 मार्च को जब कोर्ट में पेश। संदेश खाली पर राजनीति गरमा गई है। एक बार एक तरफ आपको बता दें शारजा शेख को CBI को सौंपा जा रहा है। कोलकाता हाई कोर्ट ने बंगाल पुलिस और CBI के बीच तनातनी पर शेख को केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने के आदेश दिए हैं। तो दूसरी तरफ आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने आज संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की और ममता सरकार पर निशाना साधा। बलात्कार के आरोपी को बचाने का इल्ज़ाम लगाया। बारासात में BJP के महिला मोर्चे की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति ही बंगाल का माफिया राज खत्म करेगी। TMC के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार कोरे TMC घोर पाप कोरे छे। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की TMC सरकार को
आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। केरल के वायनाड से भी लड़ेंगे और 2019 में यहां पर स्मृति ईरानी जीती थी। वायनाड से जीतकर संसद में पहुंचे थे राहुल। प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। पिछली बार सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद चुनी गई थी, लेकिन इस बार वो राजस्थान से राज्यसभा के सांसद चुनकर संसद पहुंची हैं। रणवीर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। उससे पहले स्मृति ईरानी को सुन लेते हैं, उनका क्या कहना है कांग्रेस की तरफ से इस घोषणा पर। मैं नहीं जानती कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही मुझे लगता है कि एक अजीब मंजर है कांग्रेस की राजनीति का। पहली बार अमेठी से प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस इतना समय लगा रही है, इतना चिंतन और मंथन कर रही है। कांग्रेस की हार का संकेत आपको उसी में मिल सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रणवीर सिंह हमारे सहयोगी मौजूद है। रणवीर, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उत्तर प्रदेश में, अब अगर राहुल गांधी प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगे, इसमें ऊर्जा तो उनमें आ जाएगी, क्या आंकलन वहां आपसे? देखिए, निश्चित तौर पे गांधी परिवार अगर यूपी नहीं आता है तो इससे कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं एक निराशा होगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय आए हों या बाकी नेता, सबने कहा कि हम आग्रह करेंगे कि प्रियंका और राहुल दोनों यहां से चुनाव लड़ें। और जिस तरह से सूत्रों से खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी से किस्मत आजमा सकते हैं, हालांकि 2019 में वो चुनाव हार गए थे। और सबसे रोचक जो होगा वो होगा प्रियंका गांधी का चुनावी राजनीति में आना। आज से 5 साल पहले 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आई थी और उसके बाद उनको राष्ट्रीय महासचिव और यूपी का आधा हिस्सा उनको महासचिव प्रभारी बनाया गया था। हालांकि कांग्रेस को कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ, सिर्फ एक सीट कांग्रेस जीती, लेकिन प्रियंका के सक्रिय राजनीति में आने के बाद 2022 के चुनाव में भी प्रियंका यूपी में बहुत सक्रिय रहीं और अब 24 के चुनाव में अगर वो पहली बार चुनाव लड़ती हैं रायबरेली सीट से, तो ये कांग्रेस के लिए एक मनोबल बढ़ाने वाली बात हो सकती है। और इसी वजह से गांधी परिवार अगर दोनों अमेठी और रायबरेली जो पैतृक सीटें हैं उन सीटों पर आता है तो यूपी कांग्रेस को एक बूस्टअप मिलेगा। और अजय राय ने कहा था कि हम जाएंगे गांधी परिवार के सामने, हाथ पांव जोड़ने की नौबत आएगी तो वो भी करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि गांधी परिवार यूपी ना छोड़े, और कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रणवीर इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। पानी की किल्लत कर्नाटक में कैसी है उस पर रिपोर्ट दिखाएंगे। बात कर्नाटक की, अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुई है लेकिन बेंगलुरु में पानी का संकट पैदा हो गया है। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी बता रहे हैं कि उनके घर का बोरवेल सूख गया है। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोचा नहीं होगा कि उनको भी कभी अपना बोरवेल सूखने की शिकायत करनी पड़ेगी। बेंगलुरु में पानी की किल्लत को लेकर सरकार की बेबसी इसी में दिखती है। हम रियायती दर पर सभी लोगों को टैंकर का पानी मुहैया कराएंगे। हमें इसकी चिंता है, पानी की कीमत को लेकर बोरवेल सूख गए हैं, हमारे घर का बोरवेल भी सूख गया है। मार्च के शुरू में ही शहर के तालाब सूख रहे हैं। बेंगलुरु सेंट्रल को छोड़कर शहर में हर तरफ पानी को लेकर अफरा तफरी मची है। 5,000 से 7,000 लीटर पानी के टैंकर के लिए जहां पहले 500 रुपए से 700 रुपए लगते थे, वहां 2,000 रुपए से लेकर 2,500 रुपए तक अब देने पड़ रहे हैं। सरकार अब टैंकरों का रेट तय करने जा रही है। पिछले साल मॉनसून में बारिश लगभग 35% कम हुई, इससे बांधों और झीलों में पानी की कमी हुई। इस शहर के 10,000 बोरवेल में से 40% सूख चुके हैं। शहर को हर दिन लगभग 1,650 MLD पानी कम मिल रहा है। ऐसे में बेंगलुरु शहर की 1,25,00,000 की आबादी पानी के लिए जद्दोजहद कर रही है। अब तो पानी के लिए भगवान का ही आसरा है। देखिए, इस झील की सतह आपको दिख रही है, जमीन दिख रही है।
एक महीने पहले तक ये सब पानी के नीचे था। बारिश के लिए इंद्र देवता को खुश करने की भी कोशिश चल रही है, लेकिन जल प्रबंधन से जुड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि जब तक सरकार और आम लोग इच्छा शक्ति नहीं दिखाते, तब तक ये समस्या हर साल आएगी जब भी मॉनसून फेल होगा। पानी के सीमित सोर्स हैं, जैसे बारिश, बाढ़ और इस्तेमाल किया हुआ पानी। जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं उसको ट्रीट करके बहुत से काम जैसे खेती, बागवानी और निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। ये शहर के बड़े तालाबों में से एक है, सैंके टैंक। यहाँ पानी का स्तर बता रहा है कि ये शहर किस तरह से पानी के संकट से जूझ रहा है। मॉनसून आने तक यहाँ हालात कमोबेश ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि पूरे राज्य में पानी का संकट कुछ इसी तरह बना हुआ है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई है। जौनपुर की अदालत ने उन्हें अपहरण और रंगदारी के मामले में कल दोषी करार दिया था और आज सजा सुनाई, और 2 दिन पहले ही इन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन सजा के बाद अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद धनंजय सिंह ने हाईकोर्ट में अपील की बात कही है।